हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप एपीआई के ऊपर। गाइस, अगर आप अपने खुद के नंबर से व्हाट्सएप एपीआई बनाकर मैसेजेस ट्रिगर करना चाहते हो अपने यूज़र्स को या अपने रजिस्टर्ड क्लाइंट्स को, तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप खुद के नंबर से, जी हाँ, खुद के नंबर से आप व्हाट्सएप एपीआई क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी वेबसाइट्स के लिए या अपने किसी भी तरीके की छोटी मोटी यू नो ट्रांजेक्शनल एक्टिविटी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डिटेल में देखिए इस वीडियो को, बहुत ही शानदार वीडियो है। विद इन अ 5 मिनट यू कैन गेट योर ओन एपीआई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ओके, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि इसके जो फीचर्स हैं, कैसे आप इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है intractly.com पर। जब आप intractly.com पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो साइनअप का बटन दिया हुआ है, यहाँ पर जाके आपको साइनअप करना है। साइनअप करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी होगी, विच इज़ लाइक योर फुल नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, किस लोकेशन में आप ये पूरे वर्ल्ड वाइड आप एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन है साइनअप। जब आप साइनअप कर लेंगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद जब भी आपका अकाउंट बनेगा, आपके पास एक ईमेल है वैलिडेशन के लिए आएगा, तो आपको आपकी ईमेल को वैलिडेट करना है। जब वैलिडेट कर देंगे तो आपको लॉग इन करना है सिंपली। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो आपको जाना है हाउ टू यूज़ वाले इस टैब पर और एक पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप इस सारे सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज़ अ क्लाउड बेस्ड एक सॉल्यूशन है, एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप आपके खुद के नंबर की व्हाट्सएप एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मिल जाएगा। जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो लॉगिन करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको आपका जो नंबर है वो कनेक्ट करना है सिस्टम के साथ। ठीक है, आप कभी भी उसको लॉगआउट कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके ऊपर है आपको कितने टाइम तक इसको एक्टिवेट रखना है, लॉगिन करना है, लॉगआउट करना है, टोटली अप टू यू। ठीक है, जब आप स्कैन कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी नंबर है जो कनेक्टेड है वो यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर देखिए, इस व्हाट्सएप पर जाना है, व्हाट्सएप पर जाने के बाद आपको प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरीके का क्यू आर कोड दिखेगा। उस क्यू आर कोड को स्कैन करने के बाद आपका नंबर कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। जब आप इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको और फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल है, ऑटो रिस्पॉन्डर है, देन आपका मैसेजिंग है, चैटबॉट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसके साथ चैटबॉट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप टेम्पलेट भी बना सकते हैं, आप नंबर अपलोड भी कर सकते हैं, लाइक ग्रुप अपलोड, ग्रुप में आप नंबर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि एक ऑप्शन जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो व्हाट्सअप API, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट, इसके लिए आपको बहुत ही बहुत टाइम या यू नो जैसे कि API एक्टिवेट करने के लिए टाइम नहीं लगता, इंस्टेंट हो जाता है। ये सबसे इसका बेस्ट फीचर है। अच्छा, अगर हम थोड़ा और नीचे आएंगे तो इसी पेज पे आपको ये जो फीचर्स दिए उसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा कि ये जो आइकॉन है किस चीज़ का है, क्या यूज़ है यहाँ पे, ये किस चीज़ का है। इस तरीके से आप इस PDF को गो थ्रू करें, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे आप लास्ट में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप API का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये PDF को रेफ़र कर सकते हैं और देख सकते हैं डिटेल में। आपको बात करना है हमारे सेल्स एक्सपर्ट से तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं और लॉगिन करते हैं सिस्टम में। तो साइनअप आपको जाना है, तो फिर से बता देता हूँ, तो साइनअप पर जाना है। साइनअप अगर आपने कर लिया तो लॉगिन कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। साइनअप कर लिया, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो मंथली लिमिट है टू सेंड दिस मैसेज, अभी 1 लाख की लिमिट हमने यहाँ पे दी हुई है इस पर्टिकुलर अकाउंट के साथ। आप यहाँ पर पे वाया इंस्टा मोजो भी कर सकते हैं अगर आपको बड़ा प्लान लेना है या जो भी प्लान आपको बाय करना है। जो PDF मैंने आपको बताई थी उसका ऑप्शन यहाँ पर दिया, मतलब उसकी लिंक यहाँ पर दी हुई है। और आपको अगर इसकी वैलिडिटी वगैरह बढ़ाना है तो वो भी आप कर यहाँ पर जाकर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हमारा नंबर कैसे कनेक्ट करना है वो हम देखते हैं। तो आपको ऊपर इस लिंक पे क्लिक करना है, ऐड व्हाट्सएप प्रोफाइल। जैसे आप इस पे जाएंगे तो आपका जो भी व्हाट्सएप का नंबर है जिसको भी आपको कनेक्ट करना है आप उसको यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ पे जाके व्हाट्सएप पे जाइए और आपको एक प्लस का आइकॉन मिलेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाके भी आप इसको स्कैन
कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू कैसे आपको कनेक्ट करना है। जब आपका ये अकाउंट स्कैन हो जाएगा, आपको जाना है व्हाट्सएप पर, तो यहीं पर आपको एक आइकॉन मिलेगा जो कि आपके व्हाट्सएप की प्रोफाइल का आइकॉन होगा। तो जैसे मेरा ये नंबर है, इसका ये आइकॉन यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे को वो सारे फीचर्स आ गए जो मैंने आपको बताए थे और पीडीएफ में अवेलेबल है। तो हमें सिंपली जाना है एपीआई पर। एपीआई पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कौन कौन सी आपको एपीआई क्रिएट करनी है। यहाँ पे दो तरीके की अगर आपको एपीआई जैसे दी हुई है, जैसे कि अगर आपको सेंड डायरेक्ट मैसेज एपीआई चाहिए तो वो मिल जाएगी, अगर ग्रुप में करना है तो ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, फाइल भेज सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इस पर्टिकुलर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए एपीआई लगती हैं, जिसको हम इंस्टांस एपीआई बोलते हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो जब आप इसको गो थ्रू करेंगे या बींग अ डेवलपर आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो सेंड टेक्स्ट सबसे ईजी जो एपीआई है, मैं आपको बताता हूँ, इस पर आपको जाना है। और यहाँ पर आपको इस जो टेक्स्ट की एपीआई है वो आपको मिल जाएगी। अब इस एपीआई में कुछ पैरामीटर हैं वो आपको डालने हैं। तो पैरामीटर क्या क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले नंबर का जो पैरामीटर है वो आपको लगेगा। दूसरा टाइप क्या है, टेक्स्ट, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि जो टाइप है वो टेक्स्ट है, तो उसको चेंज नहीं करना है। इसके बाद जो भी आपका मैसेज है, तो ये जो पैरामीटर है उसको आपको इससे रिप्लेस करना है। जो भी आपका मैसेज है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ पे आप वो डाल सकते हैं वेरिएबल, अगर आप सिस्टम से उसको उठा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी एक इंस्टांस आईडी आएगी। इंस्टांस आईडी, हर नंबर की अलग अलग इंस्टांस आईडी क्रिएट होती है। कहाँ से मिलते हैं मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, इस यूआरएल को मैंने यहाँ पे अपना एडिटर ओपन करके रखा है, ओपन ऑनलाइन एडिटर है ये। तो यहाँ पे जाके मैंने इस यूआरएल को पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे को सबसे आईएमपी जो जिस नंबर पे मेरे को ट्रिगर करना है उस पे मैसेज भेजना है, उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे 91 के साथ, आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी मैसेज आप भेजेंगे एपीआई के थ्रू आपको 91 ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इंडिया में इस मैसेज को ट्रिगर कर रहे हैं। आपको किसी दूसरी कंट्री में भेजना है तो उसका नंबर, उस व्हाट्सअप नंबर के आगे उस कंट्री का कोड जरूर लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट टाइप है वो आपको टेक्स्ट ही रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो टाइप है वो टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैसेज है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज माय टेस्टिंग व्हाट्सएप मैसेज टू चेक वेदर एपीआई इज वर्किंग और नॉट, ओके। अब यहाँ इसके बाद ये पूछ रहा है इंस्टांस आईडी। तो ये जो इंस्टांस आईडी, ये आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए आपको अगेन पैनल में जाना है और इस आइकॉन पे क्लिक करना है। ये जो ह्यूमन वाला आइकॉन है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इंस्टांस आईडी मिल जाएगी। इसको कॉपी कर लीजिए और आपके जो भी टेक्स्ट एडिटर है यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है आपका एक्सेस टोकन, तो ये आपका एक्सेस टोकन है, यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लीजिए। तो ये आपके एपीआई का जो यूआरएल है वो रेडी हो गया है। अब हम इस यूआरएल को कॉपी करते हैं। मैं जिस नंबर पे ये व्हाट्सएप ट्रिगर कर रहा हूँ ये उसका यहाँ पर एक ये मैंने ओपन कर लिया वो वाला नंबर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा नंबर है। तो ये जो नंबर है वो है आपका जिस पर मैं मैसेज भेज रहा था, तो वो ये नंबर है 8446005005। तो मैं इसको यहाँ पे यूआरएल को ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ और एंटर मारता हूँ। तो जैसे ही मैं एंटर को हिट करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एपीआई ट्रिगर हो गई है। अब ये एपीआई ट्रिगर होने के बाद बहुत सारा सक्सेस का मैसेज और अदर कोड्स यहाँ पे आ गए हैं, रिस्पॉन्स आ गए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो टू दी प्रोफाइल और इस नंबर पर हम जाते हैं जो हमने मैसेज भेजा था। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने मैसेज भेजा था दिस इज़ माई टेस्टिंग व्हाट्सअप मैसेज टू चेक वेदर एपीआई इज़ वर्किंग और नॉट। तो ये एपीआई यहाँ पे काम कर रही है। तो इस तरीके से आप अपने खुद के नंबर को स्कैन करके एक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं और इंस्टेंटली इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प लगती है तो वी हैव अ सपोर्ट टीम जो कि आपको हेल्प कर सकती है। अब आपको सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये कितने रुपये में मेरे को मिलेगा, किस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो आप इसको 500 रुपीज़ का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है फॉर द मंथ आप डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। मैसेज आपको कितने चाहिए, कितने वॉल्यूम आपको चाहिए, उससे रिलेटेड भी आप टीम से बात कर सकते हैं जो आपको काफ़ी अच्छे रेट पे अच्छा वॉल्यूम आपको मिल जाएगा।
तो अगर आप इस सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं अपने किसी प्रोजेक्ट में, आप किसी किसी कहीं पे भी आपको इसको लगाना है, तो आप इस एपीआई को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, रेडी टू यूज़ एपीआई है। इंस्टेंट आप अपने नंबर के साथ क्रिएट कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ये है कि आप मल्टीपल नंबर्स भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड यू नो शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। लाइक करें इस वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।